Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्य अभियुक्त के तौर पर मुकदमे का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नाबालिग की हत्या मामले में पीड़िता का मामा ही दुष्कर्म और हत्या का आरोपी निकला। पुलिस ने बताया कि मामा ने ही भांजे के साथ दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक निजी स्कूल का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 30 से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 5 महीनों से रुकी हुई बुजुर्गों की पेंशन शुरू हो गई है। अब बुजुर्गों के बैंक खातों में पेंशन जानी शुरू हो गई है। कमला हैरिस ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि समता नगर पुलिस ने 4 और 6 साल की 2 नाबालिग बच्चियों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। त्रिपुरा में पिछले कुछ दिन में हुई भारी बारिश की वजह से कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा पर जाएंगे। अमित शाह आज रात को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन FORD ने हड़ताल वापसी का ऐलान किया है। लद्दाख में गुरुवार को एक बस खाई में गिर गई, हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंच गए हैं। वह यहां ट्रेन के जरिए पोलैंड से होते हुए आए हैं और पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात करने वाले हैं। महाराष्ट्र की 2 राज्यसभा सीटों पर NCP के नितिन पाटिल और BJP के धैर्यशील पाटिल निर्विरोध चुने गए हैं। दोनों को सोमवार को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रेजिडेंट डॉक्टर को आश्वासन दिया कि कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि यह मनोजरांग के स्वास्थ्य के बारे में पता करने के लिए एक शिष्टाचार भेंट थी। वह कुछ दिन पहले सातारा आए थे और बीमार पड़ गए थे। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में 25% लोगों का वादा है कि वह महायुति की एकनाथ शिंदे सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। महाराष्ट्र में चुनावी साल में सत्तारूढ़ गठबंधन ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए NCP अजित पवार हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ IAS ऑफिसर और पूर्व BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें राज्य में अपर मुख्य सचिव गृह बनाया गया है। महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सभी पार्टियां सक्रिय दिख रही हैं। MNS ने चंद्रपुर और राजुरा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को हल्की तेजी आई थी, लेकिन आज सप्ताह के अंतिम दिन के कारोबार में बाजार पर वैश्विक गिरावट का असर दिख रहा है। बांग्लादेश में तत्काल पलट के बाद से पूर्व PM शेख हसीना ने भारत में शरण ली है। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। किसी दूसरे देश में अब वह नहीं जा पाएगी। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।